जो चैप्टर है हम लोग का चैप्टर थ्री, जिसको हम लोग बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वैल्यू। क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वैल्यू। अंदर इसमें वेरिएबल जो रखने वाला है वो कितना रखने वाला है? दो, जिसको हम लोग चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो इसमें दो चर रहने वाला है वाले रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब इसका जो घात होगा वो कितना होगा? वन होगा। इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अभी हम लोग पॉलीनोमियल बहुपद में देखे थे, घात एक होता है, घात दो होता है, मतलब एक्स का पावर होगा वो या तो वन होगा, या तो वाई है तो वाई का पावर वन होगा। रैखिक समीकरण हो, रैखिक मतलब इसका घात कितना हो? वन। कभी भी एक्स स्क्वायर ऐसे नहीं होगा। अगर ये x स्क्वायर है तो मतलब ये क्या होगा? फिर वेरिएबल होगी, जो वेरिएबल है मेरे पास जो चेंज हो सकता है, जैसे वैल्यू क्या होता है चेंज हो सकता है, वो हम लोग के पास उसका वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, कभी भी 2 नहीं हो सकता। 2 हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद। अगला जो चैप्टर है मतलब द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें देखेंगे। इसका मतलब आएगा वेरिएबल कितना रहेगा? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब इसका घात कितना हो? एक। युग्म क्यों बोला जाए? मतलब ऐसा समीकरण मेरे पास दो ठो होगा। युग्म मतलब होता है पेयर, युग्म मतलब क्या होता है? पेयर। इंग्लिश में वो पता ही होगा, मेथड में कोई भी उल्टा लिख दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशन है उसमें कितना वेरिएबल है हमारे पास? दो वेरिएबल। कहते हैं यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई बराबर कितना लिए? टू। ठीक है, यहाँ पर देखा यहाँ पर देखो एक्स का पावर कितना है? वन। वाई का पावर कितना है? एक। लीनियर इक्वेशन हुआ, हाँ एक है मतलब लीनियर इक्वेशन हुआ। इसमें वेरिएबल कौन कौन है? एक्स है और वाई। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल मतलब चर बोलते हैं। जो चेंज नहीं हो सकता है टू वो तुम्हारा चेंज हो सकता है। जैसे तुम जब एक्स प्लस वाई का टू दिया होता है, यहाँ पर ना एक्स वाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, उसको हम वेरिएबल क्यों बोलते हैं? ऐसा बहुत सारा नंबर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? जैसे तुम डेढ़ रख दिए इसको आधा रख दिए, डेढ़ और आधा कितना हो जाएगा? इसको आधा रख दिए इसको डेढ़ रख दिए तो कितना हो जाएगा? तो ऐसा बहुत सारा पॉसिबिलिटीज बनेगा हम लोगों को। कितना पॉसिबिलिटीज बनेगा? बहुत सारा पॉसिबिलिटी। समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिर्फ इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म अभी नहीं बोलते, युग्म क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अभी हम दो को नहीं लिखे, पेयर में नहीं लिखे, पेयर में नहीं लिखे। समझ में आगे? अब यहाँ से समझना, सबसे पहले हम लोग क्या क्या हम लोग समझना चाहते हैं। एक पॉइंट जल्दी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक पॉइंट। देखो एक्स प्लस वाई बराबर टू क्या चीज को दिख रहा है? इससे हम ग्राफ बनाएंगे ना, ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब वो किसी भी तरह का हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन देखो क्या आएगा? कैसे आएगा हम लोग ग्राफ को समझेंगे कि किस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन आने वाला है। क्या आने वाला है? एक लाइन। तो यहाँ पे सबसे पहला बात समझने वाला है एक पॉइंट से, क्या एक पॉइंट से यदि तुमसे कोई पूछे कि एक पॉइंट से कितना लाइन पास हो सकता है तो हम क्या बोलेंगे? अनंत रेखा पास हो सकती है। देखो ई भी पास हो सकता है, ई भी पास हो सकता है, ई एक
है, तुमको सबसे पहले ही जाना पड़ेगा कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकता है। दूसरा चीज यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि एक लाइन बनता किस पे, एक लाइन बनता किस पे, तो एक लाइन को बनाने के लिए हमको बहुत सारा पॉइंट का जरूरत है। क्या बोले, एक लाइन को बनाने के लिए बहुत सारा पॉइंट का जरूरत पड़ता है। तो लाइन तुमको है पॉइंट से ही मिलकर बनता है। जैसे तुमको यहाँ पे तुमको क्या समझ में आ रहा है, x plus y बराबर 2 लिख रहे हैं, x और y का वैल्यू क्या होता है, बहुत सारा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो बहुत सारा मिल रहा है मतलब एक पॉइंट ही मिल रहा है। तो भी पॉइंट में हम लोग क्या डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, पहले x लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं x फिर क्या लिखते हैं y। तो यहाँ पे एक चीज समझना, देखो हम क्यों बोल रहे हैं कि एक लाइन पर बहुत सारा पॉइंट मिलता है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, पांच पॉइंट, इस तरह का छोटा छोटा पॉइंट मिला कर ही क्या बनता है। तभी तो हम जब इसको ड्रॉ करते हैं तब हम लोगों को तो पता चल रहा है ना कि इसका सॉल्यूशन बहुत सारा होगा। इसका सॉल्यूशन क्या बहुत सारा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तुमसे कोई पूछेगा x + y = 2 लिखा हुआ है तो तुम बता x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, तो तुम 1 और 1 नहीं बोल सकते, 1 और 1 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इस लाइन पर जैसे ही लाइन हम ड्रॉ की तो इस लाइन पर एक ही पॉइंट थोड़ी ना है, इस लाइन पर क्या है बहुत सारा पॉइंट, इस लाइन पर क्या है बहुत सारा पॉइंट, तो बहुत सारा एनर्जी पॉइंट है, तो सब इसी लाइन पर चल रहे हैं, इसी लाइन पर लाइक करना इस कंडीशन को बहुत सारा पॉइंट सेटिस्फाई करता है, तो इसका कोई एक हल नहीं होगा। इसीलिए जनरली हम लोग हमेशा पेयर का बात करते हैं, युग्म का बात करते हैं, इसका बात करते हैं युग्म का बात करते हैं, समझ में आया। तो सबसे पहले तुमको एक बात एक चीज पता होना चाहिए कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होता है, फिर दूसरा एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट से दोनों एक दूसरे का उल्टा है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होता है और एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट जो उसको सेटिस्फाई करता है, उसको क्या करता है ठीक। दूसरा चीज तुमको यहाँ पे ध्यान रखना है, कोई भी लाइन का इक्वेशन हमको मतलब लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है x प्लस y बराबर क्या दिया हुआ है 2, दो पॉइंट ऐसे ही देखो, अभी मेरे लिए एक पॉइंट से बहुत सारा टाइम पास हो गया, लेकिन जैसे हम दो पॉइंट का कांसेप्ट लेते हैं कितना पॉइंट, दो पॉइंट, दो पॉइंट यहाँ पे देखना, जैसे दो पॉइंट हम लेकर आएंगे तो यहाँ से पास होने वाला लाइन सिर्फ और सिर्फ ए, जैसे ही हम दो पॉइंट लेकर आएंगे ए और बी तो यहाँ से पास होने वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, तो दो पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग तीन चीज समझ में आ गया, यदि दो पॉइंट रहा कितना पॉइंट, दो पॉइंट रहा तो कितना लाइन पास होगा, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन। इसीलिए हम बोलते हैं कि यदि हम ग्राफ बनाना चाहेंगे किसी भी लाइन का तो कम से कम कितना पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, दो, दो से कम में काम नहीं होगा, दो से ज्यादा ले लो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे ये लाइन है तो ई पॉइंट ले लो, ई पॉइंट ले लो, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि एक लाइन का ग्राफ बनाना है तो हमको कम से कम कितना पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट, दो पॉइंट। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत सारा पॉइंट पास होगा मतलब लाइन पास, इस पॉइंट पे भी बहुत सारा लाइन पास, लेकिन यदि कोई पूछे कि एक ऐसा लाइन का नाम रखा जो ए और बी दोनों से पास होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ लाइन एल है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है लाइन एल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तीन चीज तुम्हारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि पहला एक पॉइंट पे इनफाइनाइट लाइन पास होता है, दूसरा एक जो लाइन है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है, अनंत बिंदुओं से मिलकर एक रेखा का निर्माण होता है,
रेंटों के लिए बात करते हैं। यहाँ पर एक रेखा से मतलब एक रेखा को यदि हमको बनाना हो तो कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है, कम से कम दो। समझ में आ गया? लिखो जल्दी। तीनों हो गया। अब इसका यदि हम बात करते हैं तो इसका ग्राफ बनाने लिखा हुआ है, इसका ग्राफ कैसे बनाना, क्योंकि पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्राफीय विधि से हल करना, इसे हल करना ग्राफीय विधि से। तो देखो सबसे पहले हम एक को सॉल्व करके होता है, एक्स प्लस वाई बराबर टू लिखते हैं, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देना, हमको हम अभी को क्या बोले थे कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम कितना पॉइंट चाहिए, हमको दो पॉइंट चाहिए, कितना कम कम चाहिए दो पॉइंट। तो हम वही दो पॉइंट खोलने का काम करेंगे, वही दो पॉइंट खोलने का काम करेंगे। सबसे बड़ा एक बॉक्स बना लेंगे, दो से ज्यादा भी बना सकते हैं लेकिन दो से ज्यादा बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा दो पॉइंट से काम हो जाएगा। एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखा हुआ है, टू। यदि हम डायरेक्टली सोच पाए तो ठीक है, नहीं सोच पाए तो यहाँ से हम ये जरूर लिख सकते हैं कि वाई बराबर अपने से पुट करते हैं, अपने से नंबर किस तरह से पुट करते हैं, हमेशा जो नंबर मिले वो इंटीजर में मिले, मतलब एक दो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, अब इस तरह नहीं मिलना चाहिए दो बटा तीन एक बटा दो, क्योंकि हम उसको ग्राफ में नहीं बना, तो ग्राफ में बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, लेकिन एक दो रहेगा तो उसको क्या कर सकते हैं ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। कीमत समझना कि उसका आंसर नहीं हुआ क्या होगा, यदि हम पॉइंट में लेकर आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है, जैसे इसको हम डेढ़ लिख दिए और इसको आधा लिख दिए तो डेढ़ और आधा होगा वो, लेकिन डेढ़ और आधा जब हम ड्रॉ करने जाएंगे ग्राफ में तो ग्राफ में सही से ड्रॉ नहीं होगा, इसलिए पॉइंट वैसा चूज करेंगे हम लोग जो आसानी से ग्राफ में क्या हो सके ड्रॉप कर सके, जिसको हम बना सके। तो वाई बराबर टू माइनस एक्स लिखा हुआ था, हमको कोई बोला एक्स को रख दो जीरो, ठीक है एक्स को रख देते हैं जीरो, एक्स को जैसे हम जीरो रखते हैं टू माइनस जीरो कितना हो जाएगा वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जीरो रखते हैं ये यहाँ पे क्या होगा वाई बराबर टू माइनस जीरो, टू माइनस जीरो मतलब एक, इस बार हम क्या करेंगे एक्स को रख दिए एक्स को कितना रखेंगे वन, एक्स को जैसे वन रखेंगे तो वाई बराबर कितना होगा टू माइनस वन, टू माइनस वन कितना होगा वन, अब एक्स वन रखेंगे वाई का वैल्यू कितना वन, दो पॉइंट हो गया मेरा कि नहीं हुआ, अब आगे पॉइंट ड्रॉ करने का जरूरत कितना में मेरा ग्राफ, हम लोग को पता है कि होता है एक्स एक्स और ये होता है वाई वाई, यहाँ पे एंगल का क्या रूप बोलते हैं ओरिजिन या फिर मूल बिंदु, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो कॉमा जीरो, मतलब यहाँ एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, दोनों जीरो है, एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो है, पता है हम लोग को। आगे से हम बात करते हैं पॉइंट ड्रॉ करते हैं, मैंने ध्यान दें ये है वन, अपने मन में ड्रॉ ले लेते ठीक है, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ये हो गया, उसी तरह यहाँ पर ड्रॉ करते हैं दो तीन एक दो तीन अप्रॉक्स इस तरह से। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक्स जीरो है वाई कितना है टू आई टू, एक्स जीरो है वाई कितना है टू, यहाँ पर एक्स कितना है वन और वाई कितना है एक्स कितना है वन और वाई कितना है, अब तो सोचो एक्स जीरो है वाई टू जीरो और वाई टू कहाँ पर होंगे, यहाँ पर एक्स में हमको चलना ही नहीं, एक्स में रहना है जीरो के पास, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा इधर जाएंगे तो नेगेटिव, उधर चला ही नहीं होगा, बोला जीरो कॉमा ठीक, क्या पॉइंट है वन कॉमा वन, मतलब एक्स में कितना वन और वाई में कितना, एक्स में कितना वाई में कितना वन कॉमा वन, अभी दोनों स्केल ले रहा है दोनों को,
दोनों को मिलाएंगे जो फाइव बनेगा वही क्या होगा एक्स प्लस वाई बराबर टू बनेगा, एक्स प्लस वाई बराबर टू बनेगा। तो यहाँ पे बात करो तो पांच हो रहा है, कहाँ से पांच हो रहा है, टू से पांच हो रहा है, यहाँ पे वाई क्या होगा जीरो। देखो यहाँ पे एक्स को यदि हम टू रखेंगे, एक्स को कितना रखेंगे टू, तो वाई को कितना रखना पड़ेगा जीरो, ये तो आप क्या है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जितना भी पॉइंट होगा सब पॉइंट आ जाएगा। जैसे डेढ़ और आधा बोले थे, डेढ़ और आधा कहाँ जाएगा, एक्स का मतलब डेढ़ रखना है तो वाई कितना रखना आप क्या है, तो यहाँ सारा वैल्यू आ जाएगा ऑटोमेटिक, यानी मेरा दो पॉइंट से काम। इस तरह से हम क्या बना सकते हैं ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम कितना पॉइंट चाहिए दो, दो पॉइंट। अभी सिर्फ हम एक लाइन का यूज किए, पेयर अभी तक हम लेकर नहीं आए, ध्यान रखना पेयर तब लेकर आएंगे जब इसके साथ एक और चीज लिखा हुआ जैसे एक्स माइनस वाई बराबर वन लिख दिए। अब देखो एक और एक कितना हो गया दो, ये भी दो चार वाले रैखिक समीकरण है, ये भी दो चार वाले रैखिक समीकरण, उसका पेयर भी बन गया, तो इसको बोलेंगे दो चार वाले रैखिक समीकरण योग। ठीक है इसको लिख दो, देखो इसी के साथ हम एक और इसी ग्राफ में एक और ड्रॉ कर रहे हैं जिसका एग्जाम्पल को दिए थे, यहाँ पे x माइनस फाइव बराबर वन, x माइनस फाइव बराबर कितना बोले थे वन बोले, माइनस फाइव बराबर वन यहाँ पे ध्यान देना इसको हम बना रहे, ठीक है x माइनस फाइव बराबर वन। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसको क्या बोले एक ड्रॉ कराएंगे पहले, जिसमें हमको x y का क्या चाहिए वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू एक्स का और वाई का वैल्यू, ठीक है सबसे सिंपल उपाय होता है पहले जीरो प्रूफ करके देख लो, यदि जीरो प्रूफ होने से काम हो जा रहा है मेरा ठीक है, नहीं होगा तो देखा जाए। तो तुम यहाँ पे देखो, देखो इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी, तो यहाँ पे भी देखो वाई को यदि हम जीरो रखते हैं, वाई को कितना रखते हैं जीरो, जीरो हो गया इसका वैल्यू कितना हो जाएगा वन हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। तो वाई को यदि हम जीरो रखते हैं तो कितना वन, एक पॉइंट मिला हमको वन कॉमा जीरो नहीं मिला, ध्यान रखना पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, तो वन कॉमा जीरो। अब एक और वैल्यू रखते हैं, ठीक है इस बार क्या रख देते हैं, इस बार एक्स को जीरो रख देते हैं, एक्स को क्या रख दिया जीरो, तो एक्स को जीरो रखेंगे तो तुम यहाँ ध्यान देना एक्स को यदि हम रखें जीरो तो क्या होगा जीरो माइनस वाई बराबर, मतलब माइनस वाई बराबर वन, वाई बराबर कितना होगा वाई बराबर कितना आ गया माइनस, ध्यान रखिए माइनस वाला वैल्यू कुछ नहीं है ताकि पता चलेगी माइनस रखने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगी। देखो अब यहाँ से जो पॉइंट क्या होगा मतलब जीरो कॉमन माइनस, उसको क्या करेंगे देखो यहीं पर दोनों पॉइंट नेगेटिव वाला इधर था तो इधर इसको लिखते हैं माइनस वन, इधर वाला भी लिखते हैं माइनस टू, ज्यादा दूर तक जाना है नहीं, उसी तरह इधर लिखेंगे तो माइनस वन, इधर लिखेंगे तो माइनस टू, ध्यान देना पहला पॉइंट क्या है वन कॉमा जीरो, वन कॉमा जीरो कहाँ पर है ये होगा वन कॉमा जीरो, एक्स में वन चल रहा है वाई में चल रहा है, ये क्या होगा वन कॉमा जीरो। अगला पॉइंट कौन सा बोला है जीरो कॉमा माइनस, में जीरो एक्स में दोनों को यदि हम मिलाते दोनों को मिलाते हम मिलाते दोनों को यदि हम मिलाएंगे जो लाइन का इस तरह से एक ही ग्राफ में हम क्या किए दोनों ग्राफ को कि पॉइंट तुमको इधर उधर दिख सकता है क्योंकि ये ग्राफ पेपर में ही है, ग्राफ पेपर में यदि हम बनाएंगे स्केल का यूज करेंगे दोनों पॉइंट को मिलाने के लिए एग्जैक्ट वहीं पर कट करेगा जहां पर कट करना चाहिए, समझ में आया। तो चलिए हम इस दोनों को एक साथ लिखते हैं कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर लिखते हैं एक्स प्लस वाई बराबर टू माइनस वाई बराबर वन, यदि हम एक साथ लिखते हैं कहीं पर
एक्स प्लस वाई बराबर टू और एक्स माइनस वाई बराबर टू। यदि दोनों हम एक साथ लिखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण u, एक लिख रहे सर युग्म नहीं होगा, युग्म मतलब होता है पेयर, युग्म मतलब क्या होता है पेयर। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तब होगा जब दो इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल भी ऐसा नहीं कि वेरिएबल अलग अलग होगा तो नहीं बोलेंगे, तो मेरे वेरिएबल क्या होना चाहिए सेम। उसी ग्राफ में दूसरा क्वेश्चन हम लोग ड्रॉ किए, वहां पर भी दो पॉइंट का जरूरत पड़ा, दोनों पॉइंट को प्लस कर दिया। चलो दो चार वाले रैखिक समीकरण, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं जो रैखिक समीकरण उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म मतलब सामान्य रूप। एक्स प्लस वाई तो सब में लगता ही रहता है जनरली जब भी हम लिखते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कि हर जगह एक्स प्लस वाई ही रहे, यहाँ पे टू एक्स प्लस थ्री वाई भी तो रह सकता है कि नहीं रह सकता है, बराबर कुछ और भी रह सकता है, तो जरूरी नहीं है कि टू ही रहे माइनस टू भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि थ्री ही रहे माइनस थ्री भी रह सकता है, फोर भी माइनस के साथ रह सकता है, तो इस तरह हम एक जनरल फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं जनरल। ये क्या होता है ए एक्स, ए एक्स प्लस डी वाई प्लस, देखो इसको इधर लेकर फोर को इधर लेकर, तो इधर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, बराबर क्या होगा उधर जीरो, मैंने मतलब फोर इधर था बराबर इधर क्या होता है सी, माइनस फोर भी जाएगा तो भी बराबर जीरो होगा, उसको नाम हम क्या देते हैं यहाँ पे सी, ध्यान देना एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना कि ए और बी दोनों कभी साथ में जीरो नहीं है, ए और बी दोनों कभी साथ में जीरो नहीं हो, नहीं अकेले अकेले जीरो हो सकता है, लेकिन दोनों साथ में कभी जीरो नहीं हो, नहीं हो, दोनों साथ में जीरो होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ कंडीशन लिख रहे ध्यान में रखने, ए जो है बी जो है और सी जो है सब क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए रियल नंबर, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, चैप्टर वन में पढ़े थे हम ए बी सी क्या होना चाहिए मतलब वास्तविक संख्या मतलब कोई भी नंबर होना, वास्तविक संख्या बनता किसे कितने परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या, ए बी सी वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ए और बी कभी भी साथ में जीरो नहीं होते, यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखना है ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होते, एक साथ जीरो या फिर जीरो शून्य नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है तो थोड़ा सा सोचो तो तुमको पता चलेगा, क्या बोले ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता, दोनों एक साथ जीरो हो गया तो क्या होगा पहले सोच लो, ये भी जीरो तो जीरो इनटू समथिंग करेंगे तो क्या होगा जीरो, हम किसके बारे में बोल रहे हैं ए और बी के बारे में, तो ये भी जीरो ए जीरो तो जीरो इनटू कुछ करेंगे तो जीरो खत्म हो गया, पहले लिखो जीरो प्लस जीरो इनटू कुछ होगा तो जीरो प्लस क्या बचा सी बराबर जीरो, इसका मतलब सी भी क्या हो गया जीरो, इसका मतलब करना क्या करना जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो, क्या फालतू का बात कर रहा है, इसलिए दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, कोई एक जीरो का तो कोई पार जैसे कि तुमको तो ए को जीरो कर दिया ए इंटू एक्स मतलब ये जीरो हो गया, तो जीरो प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं ना बी इंटू वाई प्लस सी बराबर जीरो,
यहाँ पे तो कुछ आएगा ना हम लोग के पास कि नहीं आएगा, बी वाई प्लस टी बराबर आ गया ना। अब मान लो ए जीरो नाम के बी जीरो हो गया, ए जीरो नाम के यदि बी जीरो होगा तो जो डेरिवेटिव है क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे देखा ए एक्स प्लस यहाँ पे बी जीरो होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा जीरो प्लस टी बराबर जीरो, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग जीरो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ए कभी जीरो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बी कभी जीरो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ कभी जीरो तो जनरल फॉर्म में हमेशा ध्यान में रखना ax + by + c = 0 मेरा एक जनरल फॉर्म है, सामान्य रूप है। यहां पर जो चर है वो कौन कौन है, x और y, इसका घात कितना है 1, और a b c यहां पर जो है वो क्या है अचर है, और क्या हो सकते हैं a b c वास्तविक संख्या है, लेकिन a और b दोनों एक साथ कभी 0 नहीं हो सकता है। एक साथ यदि 0 हो गया तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 c बराबर हो जाएगा 0 मतलब सब 0 हो गया, तो एक जीरो होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ए जीरो हो गया कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बी जीरो हो गया तो भी कोई दिक्कत, दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। हुआ सिर्फ लीनियर इक्वेशन, अभी पेयर का बात नहीं किया है, सिर्फ रैखिक समीकरण हुआ। अभी युग्म तब होगा जब हम इसको दो को लिखेंगे, कितना लिखेंगे दो, लिखो लिखो तब यहाँ पे दो चार वाले रैखिक समीकरण तो हो गया हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जीरो, इसमें एक्स और वाई क्या है चर है वेरिएबल, ए बी की सब क्या है कॉन्स्टेंट है। अभी तो युग्म लिखना है हमको, युग्म मतलब क्या हो गया पेयर बोले थे, पेयर मतलब जोड़ा, हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो लिखते हैं और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो लिखते हैं, दो बार लिखते हैं हमको इसका पेयर बनाना, दोनों सेम नहीं लिखना है, तो दोनों सेम नहीं लिखना है तो हम क्या किए यहाँ पे ए वन लिखते हैं और यहाँ पे ए टू लिखते हैं, यहाँ पे बी वन लिखते हैं और यहाँ पे बी टू लिखते हैं, यहाँ पे सी वन लिखते हैं और यहाँ पे सी टू लिखते हैं, दोनों क्या हो गया अलग, यही दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोल देंगे पेयर बोल देंगे, मतलब जो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल, क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दो लाइन एक दूसरे को क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर एक हो सकता है कि दोनों लाइन कभी एक दूसरे को कट है, तो इस तरह से एरो से दिखाना पड़ेगा हम लोग को, ताकि पता चले कि वो आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, एक बार हो सकता है कि कभी कट ना करे, एक बार क्या हो सकता है कभी कट ना करे, एक बार हो सकता है किसी एक बिंदु पर कट करे मतलब दोनों कभी कट ना करे, और एक केस क्या हो सकता है हमेशा कट करे मतलब जो ऊपर वाला है वही नीचे वाला है, ठीक है तीन केस हो सकता है और कोई भी केस पॉसिबल नहीं है, एक बिंदु पर दोनों एक दूसरे के पैरेलल और हमेशा और कोई पॉसिबल नहीं है, तुम कोई भी सोच लो दो लाइन के बारे में, तुम बोलेगा एक लाइन ऐसे बनाए एक लाइन ऐसे बनाए कट कर रहा है इसको आगे बढ़ाओ कट करेगा, एक ऐसे बना देंगे वैसे बना देंगे बोले कहाँ उसी का केस हो गया का क्या हो गया केस हो गया, तो यही तीन केस मिलने वाला है, यही तीन केस मिलने वाला पहला दूसरा और तीन केस मिलने वाला, समझ में आया कि नहीं आया, ट्रिपल प्राइम लिखा है ना हम लोग के पास टी कब होगा टी कब होगा और ई कब होगा, तीनों का क्या है कल लिखा है हम लोग के पास, जो हम लोग को ध्यान में रखना है टी कब होने वाला है ये कब होने वाला और ये कब होने वाला, तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो यहाँ पे A1 है यहाँ A2 है यहाँ B1 है यहाँ B2 है यहाँ C1 और यहाँ C2 है, तो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा यहाँ से एक निकालना पड़ेगा A1 बाय A2 का रेशियो मतलब x के साथ जो रहेगा मल्टीप्लाई किया होगा और यहाँ पे x के साथ रहेगा उसका रेशियो लेंगे A1 बाय A2 निकालेंगे, फिर क्या निकालने वाले हैं हम B1 बाय B2 एक और चीज निकालने वाले हैं C1 बाय B2 तीन वैल्यू निकालने वाले हैं A1 बाय A2 B1 बाय B2 और C1 बाय C2
इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होने वाला है। यदि तुम्हारा ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू होगा, तो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेगा, दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेगा। यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हुआ, क्या हुआ? पैरेलल हुआ मतलब समांतर हुआ, ए वन बाय ए टू और बी वन बाय बी टू और सी वन बाय सी, जीवन में एक तो जीवन में बी टू तो बराबर होगा, लेकिन जीवन में सी टू से बराबर नहीं होगा। ये कब होगा? जब लाइन कैसा होगा? पैरेलल होगा, समांतर होगा और एक जैसा, दोनों एक जैसा होगा। इस केस में क्या होगा? जीवन में ए टू, जीवन में बी टू और जीवन में सी टू, तीनों वैल्यू क्या हो जाएगा? तीनों क्या हो जाएगा? बराबर। इस तरह का जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइन इसको हम लोग बोलेंगे समांतर रेखाएं। इंग्लिश में यदि हम बात करते हैं इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइन और इसको हम लोग बोलेंगे समपाती रेखाएं। तो इंग्लिश में बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। इसको यहाँ तक लिख लो, कल इसको हम लोग अगला दिन देखेंगे, इसको याद कर लेना कंडीशन का, ठीक है?